तो ये देखिए दोस्तों, भाग एक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर एक है समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये है समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। प्रश्न नंबर दो, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। तो दोस्तों ये लागू किया 2016 में लागू हुआ था ये, तो इसका आंसर है दूसरा 2016। अब है प्रश्न नंबर तीन, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों, तीसरा है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, और लास्ट है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, ट्रेंड टू यूज डिफरेंट पेडागोगी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। तो दोस्तों इसका आंसर है चौथा, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर चार पे, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। तो इसका आंसर है पहला। प्रश्न नंबर पांच, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य खालिस्तान से है। तो ये है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। प्रश्न नंबर है छह, सजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि डैश से अंतर्निहित है। तो दोस्तों किससे है ये? संज्ञान, समायोजन, केंद्रीयकरण, संज्ञान बोध। तो दोस्तों इसका उत्तर है संज्ञान बोध। प्रश्न नंबर सात, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रियावादी सोच। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर आठ पे, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है इस विधि को? तो इसको कहा जाता है विभेदी अनुदेशन। प्रश्न नंबर नौ, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है आत्मनिर्भरता। प्रश्न नंबर 10, जर्जो का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है अंतर संबंधित, एकीकृत, अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र। तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा चौथा, स्वतंत्र होते हैं। जर्जो का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों यह कर रहा है संशोधन विधि का प्रयोग। प्रश्न नंबर 12, मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उनके फायदे और नुकसान नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है तर्क। प्रश्न नंबर 13, एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, तार्किक विचार के आधार पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। प्रश्न नंबर 14, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है गति बोधक संवेदनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अंगरंगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो यह दर्शाता है मध्यवर्गीय विकास के सिद्धांतों को। प्रश्न नंबर 17, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रश्न नंबर 18, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप परिवर्तित
प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो किसका कर रहे होते हैं? आप समूह की पहचान का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 19, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण से प्राप्त होती है, तो ये होती है संवेदीगामक चरण से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 20, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ खालिस्तान के संदर्भ में बनाई जाती है, तो किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। प्रश्न नंबर आ गया है 21, खालिस्तान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये कर देते हैं 12 से और 18 महीने। प्रश्न नंबर 12 है, बुद्धिलिब या IQ की अवधारणा दी थी, तो किसने दी थी ये अवधारणा? तो ये दी थी बिने के द्वारा दी गई थी। प्रश्न नंबर आ गया है अब 23, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, तो ये माना जाता है द्रव्य बौद्धिकता की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। प्रश्न नंबर 24, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है, तो ये है ध्वनि संबंधी। प्रश्न नंबर 25, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। प्रश्न नंबर 26, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है, तो वह किसका उपयोग करता है? अंतर्दृष्टि का। प्रश्न नंबर है 27, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह प्रयोग करती है, तो वह प्रयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। प्रश्न नंबर 28, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। प्रश्न नंबर 29, ग्रेडिंग और कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों खालिस्तान के उदाहरण है, तो ये है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। प्रश्न नंबर 30, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, किसमें करता है? शिक्षण अधिगम विषयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो दोस्तों ये पहला भाग था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 क्वेश्चन लेके आए थे और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सही आंसर की प्रोवाइड कराएं, पर CDP में कई बार होता है हम सोचते कुछ है आंसर तो होता कुछ और है, तो ऐसा हो सकता है कुछ चांसेस हो सकते हैं कि कोई एक आध क्वेश्चन इसमें गलत हो, और अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत है तो उसका कमेंट में सही आंसर जरूर दें। ठीक है दोस्तों, यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और बाकी अभी कल सुबह तक या कल दोपहर तक हम आपको सारी आंसर की दोनों एग्जाम्स की प्रोवाइड करा देंगे, तो दोस्तों उसके लिए आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।